और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको झुंझुनू, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में शिरकत कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। घोटाला और घोटाले ही घोटाले नियमित रूप से अखबारों में पढ़ने को मिलते थे, और जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी घोटाला हिंदुस्तान में नहीं होने पाया। इसके लिए हम सबको नरेंद्र भाई का और अभिनंदन करना चाहिए। मैं नागरिक बंधुआ आपसे दो तीन निवेदन छोटे छोटे में करना चाहूंगा। एक, महाराष्ट्र के पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, और जब ये घोटाले अखबारों में आते थे तो उन्होंने खुलेआम कहा था, वो कांग्रेस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने खुलेआम कहा था कि घोटाले किए जाओ, चिंता मत करो, ये जनता तो घोटालों को भूल जाती है, और जब चुनाव आए इनके सामने पगड़ी रख देना, ये तो आशीर्वाद दे देती है। आप कमाल करें, आपके यहां भी एक लाल डायरी थी, आप सबको पता है एक लाल डायरी पिछले सरकार में चलती थी, और उस लाल डायरी ने भी और कांग्रेस सरकार के कई घोटाले आप सबके सामने रखे। पिछली बार ये कांग्रेस सरकार और आपस में कुश्ती करती थी कि मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगा हुआ था और उप मुख्यमंत्री कुर्सी को हटाने में, कुर्सी का पाया तोड़ने में लगा हुआ था, ये इस प्रकार से लड़ते रहे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से टिकट पाने वाले, इच्छा रखने वालों ने भी त्याग किया, समर्पण किया, यह देखना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब घोटाले करने वाले और जो जनता के घाटे पसीने की कमाई का पूरा उपयोग आपके विकास में लगाने वालों को, दोनों को यदि आप एक नजर से देखोगे और बराबर कर दोगे तो घोटाले करने वाले का हौसला बढ़ेगा और जो अंकुश लगाने वाला वो भी और निरुत्साही हो जाएगा। ये तो जनता तो भूल जाती है। क्या भूलना चाहिए? भूलना चाहिए क्या घोटालों को? नहीं तो फिर जवाब देना चाहिए आप सबको। कैसे हिम्मत हो सकती है उन कांग्रेसियों की कि जो आपके गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा अपनी जेबें भरने में जिन्होंने लगाया, ये पैसा किसका था भाई? आपने चप्पल खरीदी, उस चप्पल में आपने पूरा पैसा दुकानदार को दिया, उस दुकानदार ने टैक्स का पैसा भी आपसे वसूल किया। आपने कपड़ा खरीदा, साड़ी खरीदी, साफा खरीदा, आपने दुकानदार को पूरा पैसा दिया, उसने टैक्स का पैसा आपसे वसूला। आपने चश्मा खरीदा, घड़ी खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, कार खरीदी, साइकिल खरीदी, कुछ भी खरीदा, उसमें टैक्स का पैसा आपने चुकाया है। अल्टीमेट अंतिम व्यक्ति आप है जिसने सरकारी खजाने में, और वो उस दुकानदार को पैसा दिया, वही पैसा सरकारी खजाने में जाता है, तो पैसा तो आपका, और लूट ये लोग मचाए, और फिर भी आप उनको अंदर आने देते हो, फिर भी वो आपके बीच में आकर के वोट मांगने की हिम्मत कर लेते हैं। मैं आप सब जागरूक नागरिकों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि जब कांग्रेसी आपके बीच में आए तो उनसे पूछा करो, कह रहे भाई आप ये घोटाले करते थे और मोदी जी घोटाला रोक रहे हैं, भजनलाल जी घोटालों पर अंकुश लगा करके बैठे हैं, विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और एक एक पैसा जनता की भलाई के लिए लगे, सड़कों में लगे, पानी में लगे और चिकित्सा में लगे, शिक्षा में लगे, इस प्रकार का काम ये कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बाहर से पैसा ला करके हिंदुस्तान के विकास में योगदान दे रहे हैं।